मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। बढ़ रही है सबकी बेसब्री, बस आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? बिल्कुल बेहतरीन सर, वेरी नाइस। अच्छा, क्या बात है, गर्मियों में इस कलर की जैकेट जचती है सर? ट्रांसफार्मर ठीक करने वाले लग रहे हैं। सोनी है ना जैकेट भाई, तुम तो लभदी नहीं ना। नहीं सानू कित्थे लभनी, सानू रेड़ी वाला वाकफ ही कोई नहीं। सर जानत में इस वक्त नंबर वन जा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। सी बच्चे गली के अंदर शिटापू खेल रहे हैं। अच्छा। उनको जाके रहे ओए किने किने ओवर द मैच हो रहे हैं। वासे भाई ने अपनी शादी से फोटो शूट कराया तो एक भी तस्वीर सही नहीं आई। क्यों? नादर वाले को करवा लिया। विजय बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त सुपर मॉडल और एक्टर भी, जनाब उमर शहजाद। दूसरी मेहमान वो भी कराची तशरीफ लाई हुई हैं, ऑल्दो हैं वो लाहौर की, पढ़ा था उन्होंने लॉ और अब कर रही हैं एक्टिंग और मॉडलिंग, मोहतरमा दुरे फिशा। वेलकम टू द शो जी, आज बड़ा ही ग्रेट डे है सर कि मेरे दोनों ही फेवरेट आर्टिस्ट मेरे सामने। क्या बात, दुरे फिशा जी, आज एक शेर में लाया हूँ आप दोनों के लिए कंबाइंड। परिंदे हैं के चहचहा गए हैं, बादल हैं के हड़बड़ा गए हैं, और चेहरे हैं के मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में दुर्रे फिशां और उमर शहजाद आ गए। ओहो, क्या बात। दुर्रे फिशां जी लोकी अखां नाल नहीं वेंदे, लोकी अखां नाल नहीं वेंदे, वेखण वी ते हाल नहीं वेंदे, ते भुखे पंछी बह जांदे ने चोग ते विछिया जाल नहीं वेंदे। तुम जितना भी कहोगी वेट कर लूंगा, तुझे देख देख के आहें भर लूंगा, अगर तुम मुझे ना मिली दुरे फिशां, मैं लास्टिक से लटक के खुदकुशी कर लूंगा। जी उमर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। माशाल्लाह कोरोना के बावजूद फिटनेस का वही लेवल, ये आप किधर 6 महीने जिम जाते रहे हैं? 6 महीने मैं वाकई 4 महीने में जिम नहीं गया। ये अभी नहीं गए? और मैं नहीं गया बिल्कुल। और अच्छा। उस 4 महीने के टाइम पर जिम दे पैसे नहीं ना देते उन्हें। तो कोरोना एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, जैसे मैंने उस 4 महीने अपने अंदर पोटेंशियल देखा खाना खाने का। अच्छा, तो मैंने बहुत खाया। ये अभी आपने 4 महीने बहुत खाया? खाया बहुत, वाकई कच्चा आटा खा जाते सीधी भूख लगती थी। मगर उसके बावजूद माशाल्लाह आप यहीं तक पहुंच पाए। बिल्कुल, जब दोबारा मैं जिम गया और जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू हुआ तो मैंने कहा मैं तो बॉडी वहीं पर है, मुझे खुद भी यकीन नहीं आया, पर मेहनत। ये देखे कैसी कमाल दुरे फिशां। एक्चुअली आपको कहते हैं, आपको पूरा नाम लेते हैं या नहीं? कोई मेरा पूरा नाम नहीं लेता। तो क्या कहते हैं आप? दुरे कहता है कोई, कोई फिशां कहता है। आप क्या चाहेंगे हम क्या कहें? जो आपको पसंद हो। नहीं नहीं, आप बताएं, आप दुरे ठीक है, दुरे कह लें आपको। चलिए दुरे, आपने शो देखा हुआ है और क्या ख्याल है आपका शो के बारे में? जाहिर बात है मैं अब कैमरामैन के बारे में तो पूछने से रहा। नहीं नहीं, आपने किसी को बताया था आने से पहले? नहीं, मैंने अपने अब्बा को बताया था, उनसे पूछा। मैं दुरे फिशां के बारे में एक बात कहूं सर? जी जी जी। इसको मैंने ऐसे उठाया है, मैंने इनके घर में शूट किया हुआ सर, हमारा एक ड्रामा था डबल सवारी। हाँ। तो इनके आम शूट किया करते थे तो ये बिल्कुल छोटी सी जैसी होती थी, तो मैं इसको उठाता था, पानी लेके आती थी, खाना लेके आती थी, तो आज अचानक मैंने इसको देखा तो ये देखे मेरे तो भी 2 साल बड़ी। अगर वैसे ये क्या सही कह रहे हैं? My abba was a director of PTV Times. अच्छा, तो आपको याद है ये वाकया जो बता रहे हैं या नहीं? बहुत अच्छी तरह याद है। तो यानी कि आप तो बचपन ही से देख रही हैं एक्टर्स और
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਵੀ ਠਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਨੇ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, तो ये कानून आपने अगर एक्टिंग ही करनी थी क्यों पढ़ा? नहीं, मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी। नहीं करनी थी? मैं बचपन से क्योंकि देखती आई थी तो मुझे कोई इस चीज़ में चार्म लगता ही नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत थिएटर करती थी स्कूल में और कॉलेज में, और मैं हमेशा से लॉयर ही बनना चाहती थी, तो मैंने LLB किया। और माई अब्बा ऑल्सो वॉन्टेड मी टू डू अ डिग्री बिफोर यू नो डूइंग एनीथिंग एल्स। तो जब मैंने ये डिग्री की और इसके बाद एक साल जो मैंने काम किया तो मुझे पता चल गया कि मैं लॉयर नहीं बना। तो लॉयर आपने एक साल कोशिश की बनने की? प्रैक्टिस की थी मैंने थोड़ी बहुत, और उसके बाद मैं क्योंकि थिएटर भी साथ साथ कर रही थी प्रैक्टिस के साथ साथ, तो फिर आई थॉट इट्स बेटर इफ आई डू व्हाट आई ऑलवेज वांटेड थिंक वांटेड टू डू, सो आई एम हियर। एंड इज दिस नाउ what you want to do? Yes, the first time I faced the camera I was like this is it, really this was my calling. Kya feeling hui thi pehli dafa camera face karke? I was just telling him abhi yahi ki jab maine pehli dafa, which is like ek saal pehle drama shoot hua tha, aur pehli dafa jab wo action hua tha, I thought main bahut confused ho jaungi, mujhse boli nahi jayengi lines, but I was into the character and bas wo maine jab play kiya I was like ab maine yahi karna hai. अरे वाह, वैसे आपका जो पहला ड्रामा आई थिंक भड़ास? नहीं, मेरा पहला ड्रामा दिलरुबा। हां जी, जिन्ना दा पहला ड्रामा कीता, दूसरे ड्रामे च उन्होंने भड़ास कड़ी। मगर आपका ड्रामा चल रहा है भड़ास इनके साथ, जिसमें नहीं चल रहा भी चलना है? नहीं, अभी मतलब ऑन एयर नहीं हुआ। तो आप जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना, सब कुछ दिखाते हैं आप सोशल मीडिया पे, तो लगता है वो अभी चल रहा है जैसे। बनने तो दिया करो पहले ही तुम लोग सारे। आई एग्री, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल इन दीस थिंग्स, मैं नहीं चाहती पिक्चर्स लगे। हम वैसे एज कम्पेयर टू अदर ड्रामाज हमारी तो बहुत कम है, हम तो बस अगर हैं तो सही ना। देखो मेरे जैसे बंदे को अगर पता चल के कन्फ्यूजन हो गई तो मतलब छोड़ दो कि जो बाकी ब्लॉगर्स और वो क्या करते होंगे जिनकी निगाहें आपके ऊपर होती हैं। बट आई थिंक इट्स सोशल मीडिया का जमाना है, सो यू नो सोशल मीडिया का जमाना जरूर है, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो चीज अभी बन रही है उसकी पहले ही आप बबल में से हवा निकाल दे। सो ये यहाँ पे भूल जाते हैं। बट एनीवे, मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह ड्रामे के अंदर ये हीरो आ रहे हैं जी, तो आपकी कहीं आते खराब तो नहीं हो जाएंगी आगे वाले ड्रामों के लिए? नहीं नहीं, क्योंकि आपको ये बता दे कि हर ड्रामे में हमारे पास ऐसा हीरो नहीं होता। एटा लंबा हीरो सड़को नहीं होता, नहीं इतना लंबा भी नहीं और इतना फिट भी नहीं होता और इतना खुश शक्ल हीरो। आम हीरो जो है पाकिस्तानी चेहरों की आपको आदत रहनी चाहिए। नहीं नहीं, जब मैंने पहली दफ़ा इनके साथ पहला दिन था शूट का, तो मैं जब पता करके आई थी कौन है हीरो, क्या पता किया था आपने कौन है, गूगल किया था, तो आई वाज लाइक इसके साथ तो घास फूस खानी पड़ेगी मुझे, और मैं लाहौर से हूँ तो, और इट वाज आवर फर्स्ट डे, और मैं लंच आया और मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये भी नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या है। और इन्होंने चावल भी डाले, दाल भी डाली, कोरमा भी डाला, नान भी डाला, चार पांच मिठाई के पीस भी खाए, तो मुझे भाई मगर आपने इनके धोखे में नहीं आना, ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं ये। हाँ, ये मुझे पता चल ये सिर्फ आगे से ना हम जैसे लोगों का दिल खराब करने के लिए, मैं तो सब खा रहा होता हूँ, वो जो पीछे से कर रहे होते हैं वो किसी को नहीं बताते, ये छुप छुप के जो जिम में छह घंटे लगाते हैं। आप वैसे जाती है जिम? आपको लग रहा है मिले आने से मैं जिम जाती हूँ? नहीं, मगर कोई इन्होंने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया? स्टार्ट किया है बिल्कुल। आई थिंक वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ वीक बिफोर, क्योंकि क्वारंटाइन में मैंने भी 6-7 किलो गेन कर लिया था, क्योंकि मैं तो खाने की बहुत शौकीन हूँ, बट आई थिंक जैसा ये जिम करते हैं वैसा तो कोई नहीं कर सकता, आई डाउट। और वैसे भी इतने गुड लुकिंग आपको हीरो भी नहीं मिलेंगे हर बार, क्या नहीं आपको लगता है? नहीं, बहुत और गुड लुकिंग हीरोज हैं हमारे पास, जैसा कि बहुत गुड लुकिंग हीरो हैं। ऐसे ऐसे गुड लुकिंग बताएं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे। आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। नहीं, ऑल ऑफ देम नहीं, इतने हमारे पुराने हुमायूं भाई इज सो गुड लुकिंग, इज ही नॉट? बताएं हुमायूं भाई। अच्छा, हुमायूं सही देखो गए। और वी हैव मेनी गुड लुकिंग, बिलाल अब्बास इज वेरी गुड, बिलाल अब्बास, आदर जमीर इज वेरी गुड लुकिंग, एंड विद गुड लुक्स देयर गुड एक्टर्स टू। तो ये यानी कि तीन लोग आपने मार्क किए हैं कि इसके बाद अब ये हैं जो खुश शक्ल जो हैं। नहीं, जो अच्छा एक्टिंग करेगा जब अच्छी स्क्रिप्ट आएगी मैं वो करूंगा। बिलाल अब्बास, हुमायूं सईद और आद रजा मीर, ये तीन गुड लुकिंग लड़के हैं, तो जो बाकी के काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? तब भी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे एक्टर भी, गुड लुक्स और प्लस एक्टिंग दोनों होनी चाहिए। ये दोनों आपके अंदर इनको मिली है? वेरी गुड एक्टर, आई नेवर थॉट ही विल बी, जितने अच्छे एक्टर हैं उतने गुड लुकिंग नहीं है। आपने कहा ना इज गुड लुकिंग बट इज अ वेरी गुड एक्टर, तो यानी कि वेरी आपने गुड लुकिंग पे नहीं डाला था?
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। बस ठीक है, ओए होए होए, इतना यानी कि स्टेटमेंट चेंज करवा दिया आपने। स्टेटमेंट चेंज नहीं करवा दी उन्होंने, आते साथ ही पहले उस पे ही अभी बात कर दी। देखें लड़की का कॉन्फिडेंस साल में किधर पहुंच गया। और साडे प्रोग्राम जो आके कुड़ियां सच बोल दिया ने। हां जी सच बोलेंगी। हां उनको कौन अच्छा लगते हो बताएंगी। उन्होंने बता तो दिए तीन लोग आपको, हुमायूं सईद, अहद रजा मीर और बिलाल अब्बास। और तीनों में से आप एक भी नहीं है सर। हुमायूं सईद, अहद रजा मीर, बिलाल अब्बास, ये तीनों किस हादसे के बाद के तीन वर्जन्स बताएं आप। आपको समझ आती है इनकी बातें? जी आती है, पंजाबी आती है उनको। क्यों, मैं पंजाब से हूं, मुझे आती है। उनको तो आती होगी, आपको शायद आती है। इनको बिल्कुल नहीं आती। आ गया ना इस शो पे तो। हाँ तो आपको भी अपसेट हो चुका हुआ है, यानी कि आपने भी एंटीना लगवा लिया हुआ जिसमें सिग्नल आते हैं, आप खुल के कर सकते हैं। नहीं नहीं समझ आ जाती है वाकई। तो आपके साथ उन्होंने कोशिश की है बोलने की पंजाबी? सर मेरी बड़ी फनी किस्म की पंजाबी है। कैसी जरा बोले? अरे नहीं नहीं बोले तो सही, हम भी जरा देखें। चल पूछे जरा की हाल है, कैसे भाई? क्यों तुसी दवाई लेके देनी? अब इसके आगे क्या ये नहीं पता मुझे। तो मुझे बताएं आप क्या एक्टिंग के अंदर हेल्प करते हैं? बहुत अच्छा। अच्छा ये इनकी एक अच्छी बात है जो कि आई वुड वांट टू से ऑन रिकॉर्ड, ही इज वन ऑफ द ओनली एक्टर्स, मैंने इतने लोगों के साथ काम नहीं किया बट लोग अपना करा के सोलो के लिए खड़े नहीं होते मोस्टली एक्टर्स। ही स्टेड विद मी इन माई एंटायर सोलो। इतने लंबे लंबे फिक्रे थे और मेरी उर्दू थोड़ी पैदल। अच्छा, बड़ी अजीब बात आप कर रही हैं। जब मैंने इनके साथ एक्टिंग की थी उस वक्त तो ये नहीं ये फैसिलिटी देते थे। मुझे लग रहा था इनकी बात खत्म होगी और आप बोलेंगे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। नहीं मैं क्यों एग्री करता हूँ भाई। मगर ये वैसे क्या सिर्फ इनके लिए या वहाँ खड़े रहते नहीं, हैं हमारे सेट पे तो हमारे बारी तो आप एक अजीब सा असिस्टेंट छोड़ के भाग जाते थे। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे भी तो था। अगर आप ये अब हमारी बारी बहाने निकल आए हैं तो वैसे इनके क्यों सामने खड़े रहते हैं आप? सर सीन कुछ इस तरह के हैं क्योंकि हमारा मुझे याद है किस तरह के सीन है। हमारा जो पहला सीन था वो भी बड़ा बिल्कुल मिड से उन्होंने वो सीन पकड़ा दिया था और बहुत लाउड आ रही थी उस सीन में ये। अच्छा तो ये सीन हमारे साथ तो नहीं था। हमारे साथ सर तुसी एटे प्यारे भी देनी ना। हाँ यही शायद हो सकता है ये वजह है क्या? बहुत प्यारे हैं यार। अगे बड़ी मुश्किल ना कोरोना कटिया ना झूठ बोलो। सावन भी तो जाए पे हरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। दूर ये बताएं वालिद साहब भी आपके डायरेक्टर हैं, क्या आपको जब कोई ड्रामा वगैरह करने लगती हैं तो उनसे भी हेल्प लेती हैं? उनसे पूछती हूँ कि मुझे ये ड्रामा करना चाहिए नहीं या ऑफर कुछ, बट ही समबडी हु इज लाइक चूज योर ओन स्क्रिप्ट्स एंड चूज इट। अच्छा सो ही वांट्स के वो ठीक है, यू शुड मेक योर ओन मिस्टेक्स एज वेल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फिल्मों के हीरो भी आपको पसंद है, आपके आइडियल हैं ड्रामों के भी। एक दिल का हीरो होता है जो, उसका तो बताएं जरा वो कौन है? नहीं नहीं अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अब सोच ले ना, बंदा पूछ रहा है। मसलन सोच के बता दे कि आइडियल होता ना जिंदगी में कि ऐसा हम सफर होना चाहिए, कद छोटा होना चाहिए। इंसान का बच्चा अब तो यही मानते हैं। मतलब इंडायरेक्टली कह रही हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये सोच भी नहीं रहा कि मैं हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए, बताएं कैसा कद दो, खूबसूरती में कैसा हो। तो अपनी हाइट अच्छी खासी है, आपकी हाइट क्या है? 5'8" 5'8" माशाल्लाह उनकी अपनी हाइट है। आप खुद ही अंदाजा लगा लें 5'8" तो एक बेसिक हाइट है जो कि उनको चाहिए होगी। तो भजन आपकी कितनी? 6'2" तुसी जरा पीछे जाले लोने जरा ला दे। अच्छा जी हाइट इतनी होनी चाहिए तो खूबसूरत कितना होना चाहिए? मेरे जितना के ज्यादा। खूबसूरती का क्या करना है, सबने बूढ़ा हो जाना होता है, अंदर से इंसान अच्छा होना चाहिए। और सबने बूढ़ा हो जाना, ये तो आपने eventuality पे छलांग मार दी टोटल। सिर्फ दिल का जवान होना चाहिए, दिल का जवान। आप इन्हें कहा कि आप जब इनसे पहली बार मिली तो आपने इनको गूगल किया था
के कौन साहब हैं ये, तो उससे पहले आपने काम वगैरह नहीं कभी इनका देखा था? भाई ये कौन जवानी, फिर नहीं जवानी में आपने देखा, तो क्या आपको कैसा लगा? कोई राय नहीं थी तब ऑब्वियसली। तुमने फाके किए, उनका क्या फायदा हुआ बताएं यार। आपको फिल्म में कोई काम ही नहीं अच्छा लगा इनका? नहीं नहीं काम अच्छा था, आई कैंडी थे ना फिल्म में, आई कैंडी थी। अच्छा चलिए तो इस बात को यही खत्म करते हैं, इससे पहले नहीं, मगर ये इन्होंने देखिए बड़ी जबरदस्त बात की है कि आई कैंडी थे फिल्म के अंदर। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट मूवी के लड़कियों के अलावा एक लड़का भी आई कैंडी। ओए होए देखे, हम लोगों ने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि आप आई कैंडी भी थे, मतलब किसी को तो लगे। तो अगर ये आई कैंडी थे तो बाकी के चार उसमें जो दवाने काम कर रहे थे तो जिनके सिक्स पैक नहीं होते वो आई कैंडी नहीं होते। नहीं, नहीं, थैंक्स टू द मेकअप एंड कैमरा, थैंक्स टू द मेकअप। ये जुबला पहले नहीं आया था उमर के ऊपर, एवरीबॉडी, नहीं नहीं, आई एम श्योर ही मस्ट हैव पुट सम मेकअप। तो मेकअप के साथ बाकी के जो चार मुंह थे वो प्रेजेंटेबल हो गए, वेरी प्रेजेंटेबल, माशाल्लाह। बर्दाश्त कर सकी ढाई घंटे, वेरी मच लव्ड इट। वैसे आपको खुद भी शौक है फिल्म में काम करने का? फिल्म में तो शौक है, बट आई जस्ट हैव सम रिजर्वेशंस, लाइक भाई हमजा बासी टाइप आइटम नंबर नहीं कर। हमजा बासी टाइप, ओए होए, यानी कि एक हमजा साहब रिजर्वेशंस के अंदर एक टाइप निकल आई आपकी। जहाँ मुझे आई कैंडी बनना पड़े। अच्छा तो आपको उमर की तरह आई कैंडी नहीं बनना चाहिए? मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि आप कह रही कि आइटम नंबर ना हो उसके अंदर और विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि पूरी मूवी या जो भी हम ड्रामा या जो भी हम पेश कर रहे हैं उसमें औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं होना चाहिए। अगर आप करेक्टर प्ले कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट, यू नो, बट औरतों को वैसे ऑब्जेक्टिफाई होना और औरत का सिर्फ एक आई कैंडी और खूबसूरत लगना और उसकी कोई स्टोरी ना होना, उसकी कोई स्टोरी लाइन ना होना, दैट इज़ समथिंग दैट आई वुडंट वांट टू डू। बाकी वुमेन हु आर डूइंग इट, इट्स देयर ओन चॉइसेस, बट दैट्स नॉट अ चॉइस दैट आई वुड वांट। ओके, लेकिन आपको मैं दिल की बात बताऊं, आज आपने मेकअप नहीं किया फिर भी सबसे प्यारी लग रही है। नहीं, मैंने मेकअप किया हुआ है, किया हुआ बहुत, फिर मेरा लाज कराओ खांदा तड़ी मेहरबानी। आप जब पिछली बार आए थे तो आपको गाने वाने का शौक भी आपने डिस्प्ले किया था कि था, तो ये अभी तक है या छोड़ दिया आपने? सर बिल्कुल है, और इस वक्त मैं एक से दो गानों पर आई एम वर्किंग ऑन इट। अच्छा, कर रहा हूँ ऑफिशियली, मतलब यानी कि आपको गाने सुनाते हैं? वो मैंने सुना हुआ जो ये आने वाला है ना इनका इंशाल्लाह गाना। अच्छा, तो कौन सा गाना है वो? एक बेसिकली अभी चीज स्टार्ट की है अभी हारिस कदीर जो डायरेक्टर हैं, हाँ, उन्होंने एक साइड बी के नाम से कुछ कुछ स्टार्ट किया, तो एक तो उनके साथ एक सॉन्ग है और एक मेरा अपना है जो कि मैं अभी तो सुना दे थोड़ा सा अगर जी सुनाइए। चलो वैसे ही कोई और सुना देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह सुना दे जनाब। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो कहे परदेस पिया तुम, ऐसो कहे परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए मोरा सही। ओहो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। दूरा ये बताएं कि आपने कहा कि एक तरफ तो आपका टेक ये है कि अब के फिल्मों में आप यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, आई एम डूइंग टू फिल्म्स एक्चुअली, नो बट व्हिच आर ऑब्जेक्टिफाइंग, बट अब ये आजकल के टाइम्स हम देखते हैं बहुत डिबेट आ गया हुआ है कि अब कहते हैं कि जी ड्रामों के अंदर भी एक ही तरह के रोल खवातीन को मिल रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ज़्यादातर ड्रामे जो हैं 80% खवातीन ही लिख रही हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ड्रामों में अब आई थिंक बहुत डिफरेंट रोल्स लिखे जा रहे हैं, बट वही बात है ना कि हमारी मेजॉरिटी यही देखना चाहती है कि एक औरत रो रही है या उसको घर से निकाल आपको दिया। आसानी से रोना आ जाता है या नहीं? मैं स्क्रीन पर रो नहीं सकती। अच्छा, आप क्या असल में रो लेती हैं? मैं असल में रोती हूँ तो मैं स्क्रीन पर रो सकती हूँ, वरना क्योंकि मेरी आई साइट बहुत वीक है तो मैं लेंस लगाती हूँ। अच्छा, तो अगर आप लेंस लगाते हैं तो आपकी आँखें बहुत ड्राई होती हैं, तो जो भी आप क्यूरिन या वैजलिन वगैरह डालते हैं उससे आपको पानी नहीं आता। अच्छा, आप तो पूरे पूरे टब्स ये लोग मुझे देते हैं, रोलो रोलो, बट फिर आई हैव टू गो इन अ सेपरेट रूम, आई हैव टू टेक द फील एंड देन आई कम एंड देन। नहीं नहीं, एक सीन में इनको मारा थप्पड़ मैंने। अच्छा, थप्पड़ ही मार दिया है? मैंने कहा मार देना मुझे थप्पड़ ना,
मतलब मैंने कहा मैं लगा दूं, संगल लगा दूं, तो आपने लगा दिया थप्पड़। ओहो, सर मैंने लगा दिया। सुबह शूटिंग मुक गई, घर चले गए, दो दिन में फिर आते रो रहे सन। आप तो थिएटर भी कर चुकी हुई हैं, तो आपने इसको एक्ट आउट करना था आपने। आई नो, बट हम ना, हमारे यहाँ हम ऐसे सीन्स करते हैं कि एक सीन एज एन एक्टर यही हमारी जॉब होती है वैसे, लेकिन एक सीन हम इतना हैप्पी रोमांटिक और अगले ही सीन में हम एक दूसरे को नहीं, मगर तो वो फील उस वक्त डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो रही थी, एंड आई वाज लाइक यार थप्पड़ मारोगे तो आई थिंक वी कैन। वैसे मैंने कुछ एक्टर्स का देखा भी है, सीनियर एक्टर्स का भी देखा है कि वो मतलब थप्पड़ वो मार देते हैं। या या, मतलब वो एक्टर्स कहती हैं कि मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि मतलब मार दो ताकि वो एक वो नेचुरली फील आ जाता है, और वो वाकई आया। ये वो थप्पड़ नहीं है जो हर ड्रामे में पड़ते हैं, वैसे थप्पड़ ये वाकई वो नहीं है, और जैसे हाँ नहीं आपके हाथ पे वो थप्पड़ बनता भी नहीं है, थप्पड़ मारे इस ड्रामे। अच्छा जी, मारा तो ये जो आप जो थप्पड़ थप्पड़ी हुए आपस में, तो ये जब ड्रामा चलेगा और जब इसके ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म आएगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, तो उसके लिए आप तैयार हैं? हम तैयार तो हैं, बट वही बात है ना, ड्रामों में या भाई करेक्टर, आई एम प्लेइंग अ करेक्टर जिसे थप्पड़ पड़ता है, बट उस थप्पड़ के बाद वो क्या करती है इज व्हाट मेक्स अ करेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल करेक्टर। ये थप्पड़ के ऊपर भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी होती है अब तो ड्रामों के अंदर, ये थप्पड़ क्यों जरूरी था, और ये भी एक अब इशू बन गया है कि आप कैरेक्टर और फिक्शन के अंदर भी थप्पड़ नहीं मार सकते, कि वो भी एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। रिलेट तो करता है हमारी सोसाइटी पे, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं और हमें न्यूज़ के थ्रू या इधर उधर से पता चलती है, तो वही अगर स्क्रीन पे इतना ज़्यादा तो नहीं दिखाते, सोसाइटी में तो इससे भी ज़्यादा कहीं हो रहा होता है। वैसे आपकी आम जिंदगी में अदर देन ड्रामा भी कभी किसी से लड़ाई हुई? सर मेरी बिल्कुल हुई है लड़ाई, और मेरी जिम में ही लड़ाई हुई। अरे ये तो बनती थी आपकी। हाँ, जिम में लड़ाई होगी थी, जिम में लड़ाई होगी, तो मैंने रॉड उठा ली थी, रॉड उठा ली थी, तो वो उस वक्त वैसी बड़ी इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई भी होती है, और जब हम फिल्म की भी शूट कर रहे थे तो मेरा मूड उस वक्त इसी तरह का होता था, जो मैं इतना खामोश भी होता था कि मुझसे अगर किसी ने कोई पंगा ऐसा ले लिया तो फिर तो ये रॉड उठाने के बाद फिर क्या हुआ? फिर मतलब वो सब आ गए थे, सबने रोक लिया तो 6 फुट 2 इंच तो आपका कद है, उसके बाद रॉड भी तकरीबन कोई 5-6 फुट का होगा। इस्लामाबाद, मैं कहना धूड़ पड़ते हैं तुहाड़े आ गया, मैं क्या प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं कितने जावगा? इमरान खान साहब की कॉल आई, मुबारक हो सारिया पार्टियां का आपस कंसेशन हो गया, कंसेशन आप कमीशन सारे कट्ठे हो गए ना, तो इमरान खान साहब ने कहा छाडे उन्होंने मामला है, ठीक है, यू कम टू द इस्लामाबाद एट द बनीगाला, ओके, कदे एड अल्लाह पहुंच गया बनीगाला, लाल पीले मैनू कहते ने जमान पाक में चोरी हो गई है और तुम बेखबर हो, ओए होए, मैं कहा तुहाडे घर चोरी हो गई, कहते ने नहीं हमसायां दे घर चोरी हुई 1,30,00,000 रुपए की, ओए होए, मैं कहा सर चोर बड़े सियाने सन, तुहाडे घर चोरी करन दा फायदा भी कोई नहीं सी, मैं कहा सर मैं तफ्तीश कर लईए, ओ एबटाबाद गए हुए सन, घर सारा खाली सी, उत्थे हुण चोरी हो गई, उन्हें कहा मुल्क में कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए, मैं कहा सर ना आटे की चोरी, ना चीनी की चोरी, ना गंदम की चोरी, ना टैक्स की चोरी, तो ना ही वोट की चोरी होनी चाहिए। मेरे वाल एप्रीसीएशन नजर नाल देखिया ने, मैंने कहते ने यू आर राइट, तो मैं कहा सर हुण फिर जाके बुजदार साहब नूं दसा, कहते ने ना 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 ऐसा मत करना, उनके कंधे पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो चोरी चकारी का केस सुनते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो मैं कह सर हूं की करना जी, कहते उन्होंने फड़ो, मैं कह सर फड़ लिया थाने लैके जावा, कहते नहीं नैब के हवाले कर दो, इस तरह के खानदान च जिंदगी भर कोई चोरी का सोचेगा ही नहीं, दैट्स ग्रेट आइडिया, बिल्कुल एप्रिशिएट करो फिर मैं उमर शरीफ साहब दे शहर दा बंदा भी आ जावे मेरे वास्ते काबिल-ए-एहतराम।
ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵੰਡੇ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਗਾਇ ਯੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ ਐਸ ਲਈ ਟਾਪ ਟਾਪ ਹੀਰੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ ਛਾਤੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਆਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਤਿਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਰੇ ਸ਼ਹਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐ ਦੁਰੇ ਫਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਐਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਟਾਪ ਟਾਪ ਕਰਾਚੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਫਲੈਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਓਹ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਆਈ ਮੈਡਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਪ ਟਾਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਲਾ ਬਾਰ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੀ ਸਰ ਓਕੇ ਜੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो किससे करें 2020 का आगाज दिस इज माय फर्स्ट शो टू तो क्या आप चाहती हैं कि उनसे स्टार्ट किया जाए वो कह रही है कि पहले उमर खेलें तो ताकि मुझे अंदाजा हो जाए तो उमर भाई ये बताइए जिम जाना है आपने किसी एक शख्स को अपने साथ लेके जा सकते हैं दो घंटे का आप उसे वर्कआउट कराएंगे किसको लेके जाना चाहेंगे दो घंटे का वर्कआउट कराने के लिए जिम के अंदर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी और डॉक्टर आमिर लियाकत अगर मैं आमिर लियाकत को ले भी जाता हूँ तो वो तो मेरा वर्कआउट खराब कर देंगे तो मैं आई थिंक आमिर लियाकत को लेके जाऊंगा आमिर लियाकत को लेके जाना चाहते हैं ताकि इनका वर्कआउट खराब हो जाए नहीं नहीं मैं अपना मैं इनको बताऊंगा कि मतलब अच्छा डॉक्टर साहब आपको जिम में वर्कआउट कराना चाहते हैं ये दो घंटे ठीक है चांद पर एक स्पेस रॉकेट पे आप जा रहे हैं दो सीट्स हैं एक आपकी अपनी दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है अच्छा ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महरीन सैयद और सदफ कमल सदफ कमल सदफ कमल को चांद पर लेके जाना चाहते हैं ये ठीक है ये बताइए एक लिफ्ट में एंटर हुए हैं तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी लेंगे एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ओके ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद शेख अहद रजा मीर और शहरोज सब्जवारी तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगे अहद रजा मीर ठीक है स्माइल किसको दे रहे हैं शहजाद शेख और किसको कह रहे हैं कि आपका फ्लोर आ गया है आपका फ्लोर आ गया शहरोज शहरोज आपको कहा जाएगा आपका फ्लोर आ गया सदफ कमल को इन्होंने चांद पर जाकर छोड़ दिया मेरी कोई ऐसी नहीं नहीं मैं तो बता रहा हूँ आपने जो दो जवाब दिए थे मैंने उनको बस के साथ तुम काम कर रहे हो ड्रामे में और बैरोज साहब के साथ मैं काम कर रहा हूँ ठीक है बहुत अच्छे बैरोज साहब आपका काम कर रहे हैं ड्रामे में अब आप खुद ही बात कर लीजिएगा ये बताइए कि अवार्ड शो पे आप जा रहे हैं गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं चार सीट से गाड़ी के अंदर कौन से चार लोग होंगे जो आपके साथ आपकी गाड़ियाँ बैठ के जाएंगे ऑप्शन है आपके पास हुमायूं सईद अदनान सदीकी फहद मुस्तफ़ा फैसल कुरैशी और अहमद भट्ट हुमायूं सईद एक फहद मुस्तफ़ा दो बट साहब तीन एंड फैसल कुरैशी फैसल कुरैशी अदनान सदीकी साहब आपको फिलहाल गाड़ी में जगह नहीं मिली है लेकिन जिथे बट साहब बह गए उधर जगह रहनी नहीं थी वैसे ये बताइए सर टाइटैनिक पर जाने का वक्त है दो वीआईपी पास आपके पास हैं एक आपका अपना दूसरे पर किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास हैं कुबरा खान और दुरे फिशां कुबरा खान आपको जगह नहीं मिली ठीक है ये बताएं डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास एक आपकी अपनी दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां मावरा हुसैन और कुबरा खान एंड दुरे फिशां एक को देनी है लाइफ जैकेट एक को देनी है ओके गिव इट टू कुबरा कुबरा खान बचा लेता हूँ कोबरा खान आपको बचा लिया गया है दुरे फिशां को नहीं मिली ठीक है क्योंकि फिल्म में नहीं मिली ना इस कश्ती में तो ठीक है जी दुरे आप तैयार हैं बिल्कुल आधी रात का वक्त है शदीद बोर हो रही है फोन में कॉल करने का बैलेंस मौजूद किसको करेंगी वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फियाजुल हसन चौहान और मौलाना फजलुर रहमान मौलाना साहब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा लिफ्ट में एंटर हुई है तीन लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज हानिया आमिर और कोमर अजीज सेल्फी इकरा के साथ ठीक है स्माइल किसको दे रही है आनिया को किसको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया कोमल अजीज साहिबा आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया है इज इट अ बैड थिंग टू से समबडी आपका फ्लोर आ गया ठीक है आपने कह दिया उन्होंने समझ लिया
ये बता दीजिए, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस फ्रेम में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। मैं उठना ही नहीं चाहूंगी। आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। किसकी तस्वीर? जरदारी साहब की देख लेते हैं। जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना आपने, ठीक है। जरदारी साहब आपकी तस्वीर देखना चाहती हैं वो, ठीक है। ये बताइए चांद पर जा रही है स्पेस रॉकेट में, ठीक है, साथ में एक वाली सीट खाली है, अच्छा किसको लेके जाना चाहेंगी चांद पर जो शख्स वापस शायद ना आ पाए? ओके ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अहद रजा मीर। हुमायूं भाई, हुमायूं भाई आप चांद पर जाएंगे ये नहीं चाहती कि आप वापस आए? नहीं नहीं वापस भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं वापस नहीं आएंगे, हम लाएंगे। आपने फैसला कर लिया ना, हुमायूं साहब आहद रजामीर को उन्होंने बचा लिया और बस ले गई हैं। पेमेंट्स ठीक है, ठीक है। बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट आपके पास, एक आपकी अपनी दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, किसको देंगी वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शन आपके पास जो है वो है सबा कमर, महवेश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान, वो माहिरा खान। नो सेकंड थॉट। एनी डे माहिरा खान, एनी डे। मैं अपनी भी लाइफ जैकेट उतार के उन्हें दे दूंगी। नहीं नहीं एक ही पहनानी है उसको। मैं दो पहना दूंगी। ये देखिए माहिरा खान एनी डे उन्होंने कहा, ठीक है। गाड़ी में आप जा रही हैं, ड्राइवर चला रहा है, आप आगे बैठी हुई हैं, पीछे तीन सीट्स बाकी हैं, कौन होंगी वो तीन खवातीन जिनको आप लिफ्ट देंगी? अच्छा ऑप्शंस हैं आपके पास सज्जल अली, महवेश हयात, मावरा हुसैन और उर्वा हुसैन। I'll take सज्जल, महवेश हयात एंड मावरा। उर्वा को आपने गाड़ी में जगह नहीं दी, वो आ जाएंगी ना फरहान सईद के साथ। ये तो आपका ख्याल है ना, आपने तो नहीं दी ना अपनी गाड़ी में। मुझे लगता है आ जाएंगी। ठीक है उर्वा आपको उन्होंने नहीं बिठाया, आपकी छोटी बहन को ले गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। दुरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा दोनों बहुत। सर